वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 के आगे लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में मैंने कंप्लीट कर रखा है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन हमने कंप्लीट कर रखा। तो आज एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं। हमारे बी फार्म सेमेस्टर का और बीएससी नर्सिंग का जो है सेल डिवीजन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये 10+2 में भी आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा बेसिक तो पता होगा। हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक डिटेल लेक्चर इसके बारे में, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो पहले हम बात करते हैं सेल डिवीज़न की। तो सेल डिवीज़न आखिर होता क्या है? तो आप देख सकते हैं जैसे हमारा माइटोसिस है, यहाँ पे माइटोसिस के बाद एक जो सेल है वो डीएनए रिप्लिकेट करती है और दो सेल बना ली, और यहाँ पे मियोसिस हो रहा है। मियोसिस जो है एक सेल बनाई, एक से दो सेल बना, फिर दो से दो सेल बना, मींस ऐसे करते करते हमारा जो है पूरा ह्यूमन बॉडी सेल से मिलकर बनी है। तो सेल्स, एक सेल से हमारा ह्यूमन बॉडी बनी नहीं है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर मीन्स पहले कभी ना कभी तो यूनिसेलुलर ही होगी, एक सिंगल सेल ही तो से ही तो हमारा बॉडी ओरिजिनेट होकर इतना मल्टी सेलुलर बना है। तो जो प्रोसेस यहाँ काम किया है उस प्रोसेस को हम सेल डिवीज़न कहते हैं, ठीक है। जो प्रोसेस यहाँ पे काम करेगा उसको हम सेल डिवीज़न कहेंगे। तो आगे हम देखते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। सेल डिवीज़न ज़रूरत क्यों पड़ा, सेल डिवीज़न ज़रूरी क्यों है? तो हमारा जो भी सेल है, हम लोग पहले बच्चे थे, छोटे जाइगोट से हम लोग का फॉर्मेशन हुआ है, फिर हम लोग छोटे बच्चे रहे होंगे, बच्चों के बाद थोड़ा एडल्ट बने, एडल्ट के बाद हम लोग बूढ़े बनेंगे। मीन्स हम लोग का सेल जो है डिवाइड कर रहा है, तभी तो हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। तो सेल डिवीज़न ज़रूर क्यों है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। और बात करते हैं हम अपने मसल सेल्स की, हर एक सेल में डिवीज़न होती है और ग्रो करती है। स्टीम सेल की बात करते हैं, गट सेल, लीवर सेल ऐसा दिखता है हम लोग को, हार्ट सेल देखिए, ये हार्ट सेल है, ये ब्लड सेल, ब्लड सेल मीन्स यहाँ आरबीसी सेल है, रेड ब्लड सेल है, ये नर्व सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी कौन है? नर्व सेल होता है, ठीक है। तो ये जो है कुछ सेल्स हैं। आगे बात करते हैं सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में जो हमारा सेल साइकिल है वो हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ में, उनका डेवलपमेंट में। और जो नए पुराने जो सेल हैं, अगर जो पुराने सेल है या जो डैमेज सेल है उनको रिप्लेस करने में, मींस जो सेल पुराने हो चुके हैं, मींस बहुत सारे सेल, अलग अलग सेल का अलग अलग लाइफ स्पैन होता है। अगर हम बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल की, तो ये जो है 120 दिन तक जीवित रहते हैं, 120 दिन के बाद इनका डेथ हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक नया सेल की ज़रूरत तो चाहिए, क्योंकि आरबीसी जो है हेल्प करता है हेमोग्लोबिन कंटेन करता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन हम लोग को शरीर में सर्कुलेट करने में हेल्प करता है, तो ज़रूरत पड़ता है उसकी। फिर माइटोसिस के पहले एक फेज होता है, इंटरफेज होता है। अगर हम आगे बात करेंगे सेल साइकिल के बारे में, अभी आप जान लीजिए एक इंटरफेज होता है, इंटरफेज को लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है सेल साइकिल का। मींस जो भी सेल डिवीज़न में हमारा टाइम लग रहा है उसका 95% जो टाइम है, 95% टाइम कौन सा फेज ले रहा है? हमारा इंटरफेज ले रहा है। 95% जो टाइम है हमारा इंटरफेज ले रहा है, और बाकी के 5% में बाकी का जो माइटोटिक फेज हो रहा है वो प्रोसीड हो रहा है आगे। इंटरफेज में होता क्या है? इंटरफेज के दौरान सेल जो है रैपिड ग्रोथ करती है, मीन सेल का मैचुरेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है और सेल बड़ा होती है, लेकिन वहाँ पे डिवाइड नहीं करती है। इंटरफेज में डिवीज़न नहीं होता है, बस डिवाइड होने के लिए सेल तैयार हो रही होती है कि ग्रोथ होगी, उसका डेवलपमेंट होगा, और आगे आने वाले फेज में, माइटोटिक फेज में सेल डिवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ इंटरफेज गेट और द सेल रेडी टू डिवाइड, मीन्स इंटरफेज सेल को तैयार करता है डिवीज़न के लिए। ये देख सकते हैं आप सेल साइकिल है हमारा, यहाँ पे स्टार्ट होता है जी1 फेज, एस फेज और जी2 फेज, तीन फेज है हमारा, जी1 फेज, एस फेज, जी2 फेज, ये जो तीन फेज है ये तीन मिलकर क्या बनाता है? इंटरफेज बनाता है। यही तीन फेज क्या है? इंटरफेज है। और ये जो फेज है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये माइटोटिक फेज है, यह है माइटोटिक फेज हमारा। तो ये इंटरफेज जो होता है 95% टाइम इंटरफेज में लगता है। इंटरफेज में कौन कौन से पार्ट आए? जी1 फेज आया, एस फेज आया और जी2 फेज आया, और एम फेज में माइटोसिक आएगा, यहाँ पे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज आएगा। आगे हम लोग देखेंगे, सबके बारे में डिटेल करेंगे। तो पहले देखते हैं जी1 फेज, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा जी1 फेज जो है, सेलुलर कंटेंट एक्सक्लूडिंग द क्रोमोजोम आर डुप्लीकेटेड, मीन्स जी1 फेज में हमारा ग्रोथ हो रहा होता है, सेल का कंटेंट जो है बढ़ता है और क्रोमोजोम जो है डुप्लीकेट करता है, मीन्स डबल होता है। एस फेज में क्या होता है? एस फेज में 46 क्रोमोजोम जो है डुप्लीकेट करता है सेल को, और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है यहीं पे, और सेल जो है रेडी हो रही होती है डिवाइड के लिए। जी2 फेज जो है फाइनल स्टेज है,
मीन्स सेल जो है चेक पॉइंट यहाँ पे भी हो पाई जाती है, G2M के बाद एक चेक पॉइंट होती है, अगर सेल प्रोसीड मंथ्स आगे डिवाइड करने के लिए तैयार है या नहीं इसके बारे में बताती है। तो G2 फेज जो हमारा है ये जो है डबल चेकअप करती है और सेल को और अच्छे से, मान लेते हैं अगर एस फेज में कोई प्रॉब्लम रही होगी, सेल जो है सेल का कुछ पार्ट मिसिंग रहा होगा जिसके कारण वो डिवाइड ना कर पाए, तो G2 फेज में उसका रिपेयर किया जाता है और उसको डिवीजन के लिए तैयार किया जाता है, तो वो होता है G2 फेज में। तो G1 फेज एस फेज और G2 फेज किसका पार्ट है, इंटरफेज का पार्ट है और माइटोटिक फेज अलग होती है, ठीक है। 95% टाइम कहाँ जाता है हमारा सेल डिवीजन, इंटरफेज में जाता है और लॉन्गेस्ट फेज है सेल साइकिल का। आगे अगर हम बात करते हैं चार डिस्टिंक्ट फेज के बारे में, मैंने जैसा बताया G1 फेज क्या है, तो गैप बिटवीन माइटोसिस ऑफ प्रोसीडिंग राउंड टू सेल साइकिल एंड DNA, मींस अगर G1 की हम बात करें, यहाँ पे G1 फेज है, S फेज है और G2 फेज है, यहाँ M फेज माइटोटिक फेज आता है। तो अगर लिखने के लिए आता है हमारे एग्जाम में तो हम ऐसा लिखेंगे G1 किसके बीच है, एक M फेज के बीच और S फेज के, मींस G1 फेज इज बिटवीन द माइटोटिक फेज एंड S फेज। अगर S फेज के बारे में आता है व्हाट इज S फेज, तो पहला लाइन हमारा होना चाहिए S फेज इज द मिडिल फेज ऑफ G1 फेज एंड G2 फेज, ठीक है। अगर G2 फेज की बात करें तो इट इज़ द फेज बिटवीन M फेज एंड S फेज, ठीक है। तो G1 फेज जो है स्टार्टिंग फेज है ग्रोथ का, G1 फेज है गैप बिटवीन माइटोसिस, बोले माइटोसिस के बीच में और सिंथेटिक फेज के बीच में ये गैप है। इसमें क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ग्रोथ होता है RNA का, क्रोमोजोम जो है सिंगल मॉलिक्यूल का होता है। एस फेज में क्या होता है ना, जनरली ये इंपॉर्टेंट है, एस फेज में DNA का सिंथेसिस होता है और रिप्लिकेशन कहता है, जिसमें अमाउंट ऑफ DNA डबल हो जाता है, अमाउंट ऑफ DNA। एस फेज हमारा क्या होता है, ये सिंथेसिस फेज होता है जिसमें कि DNA का डुप्लीकेशन होता है, मींस अगर G1 फेज में DNA 2C है तो एस फेज में आने के बाद DNA क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मींस 4C हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर 2C को डायरेक्ट हम G2 फेज में रखते हैं तो यहाँ भी 2C ही रहेगा, क्योंकि DNA का डुप्लीकेशन कहाँ होता है, सिर्फ S फेज में होता है, सिंथेटिक फेज में होता है। G1 फेज का फुल फॉर्म हुआ गैप 1 फेज, S फेज का में हुआ S मीन्स सिंथेटिक फेज, G2 फेज मीन्स गैप टू फेज, M फेज मीन्स माइटोटिक फेज, मीन्स वहाँ माइटोसिस और मियोसिस टेक प्लेस होता है, ठीक है। तो G2 फेज की बात करें तो G2 फेज किसके बीच गैप है, DNA सिंथेटिक फेज, मीन्स G2 फेज इज द गैप बिटवीन S फेज एंड M फेज, ठीक है। M फेज क्या होता है, जहाँ सेल डिवीजन एक्चुअली में सेल डिवीजन हो रहा होता है, या साइटोप्लाज्म का जहाँ पे डिवीजन हो रहा होता है। और जैसे मैंने बात करा था इंटरफेज किससे मिलकर बना है, G1 फेज प्लस S फेज प्लस G2 फेज, ठीक है। और सेल डिवीजन में टाइम कितना लगता है, मेनली 12 से 24 घंटा लगता है, जिसमें से सिर्फ 1 से 2 घंटा ही M फेज को जाता है, बाकी का 95% टाइम जो है सेल डिवीजन का वो इंटरफेज को जाता है। अगर हम प्रोफेज की बात करें, जो माइटोटिक फेज का फर्स्ट फेज होता है, माइटोटिक फेज भी हमारा डिवाइड है, एम फेज भी हमारा डिवाइड है, किसमें, प्रोफेज में डिवाइड है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में हमारा डिवाइड किसका है, माइटोटिक फेज, और वहीं पे माइटोटिक फेज में ही एक्चुअल सेल डिवीजन हो रहा होता है। तो प्रोफेज की हम अगर बात करते हैं तो प्रोफेज में हम क्रोमेटिन जो है कंडेंस रहता है क्रोमोजोम की तरह, मीन्स क्रोमेटिन फाइबर जो है ना, ऐसे जैसे आपने ऊल देखा होगा, ऊन देखा हो जिससे स्वेटर बनाया जाता है, ऊन कैसे एक जैसे लिपटा रहता है ऐसे, तो इसी प्रकार से हमारा क्रोमोजोम जो है कंडेंस रहता है, क्रोमेटिन कंडेंस रहता है क्रोमोजोम के फॉर्म में। सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में जो सेंट्रियोल पाया जाता है वो सेपरेट होता है और एक स्पिंडल फाइबर का शुरुआत होना स्टार्ट हो रहा था, मीन्स ये जो सेंट्रियोल यहाँ पे आपको दिख रहा है ये अपोजिट साइड मूव करना स्टार्ट कर जाता है, अपोजिट साइड मूव, क्योंकि यहीं पे अपोजिट साइड से ना स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे अपोजिट साइड, ये सब प्रोफेज में हो रहा है। पहला जो है क्रोमेटिन कंडेंस रहता है तो धीरे धीरे खुलता है, फिर जो हमारा सेंट्रियोल है ये अपोजिट साइड मूव करते रहता है, फिर न्यूक्लियर इन्वेलप जो है टूटने लगता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्टार्ट हो रहा होता है हमारा सेल डिवीजन का प्रोसेस। तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो न्यूक्लियस जिस पे है, इन्वेलप जो है उसका न्यूक्लियस का, और टूटना स्टार्ट हो जाता है, और प्रोफेज को जो है प्रोफेज को माइटोसिस को लॉन्गेस्ट फेज कहा जाता है। प्रोफेज का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, मीन्स माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो प्रोफेज है, माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज कहलाता है, और जबकि सेल साइकिल सेल डिवीजन का लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज कहलाता है, ठीक है। आगे अगर हम प्रोफेज क्लियर हो गया हमारा, प्रोफेज में मैंने बात किया हुआ क्या,
तो प्रोफेज में पहला हुआ क्रोमेटिन जो है कंडेंस हो गया हमारा ऊन की जैसा, सेंट्रियोल जो है अपोजिट साइड मूव करने लगा और न्यूक्लियर इन्वेलप टूट गया, ठीक है। और ये लॉन्गेस्ट फेज माइटोसिस है, प्रोफेज का लॉन्गेस्ट फेज, माइटोसिस का लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज कहलाता है। फिर अगर मेटाफेज की बात करें तो देखिए ये मेटाफेज में हुआ, वो फर्दर प्रोसीड हुआ और मेटाफेज की तरफ सेंट्रियोल आ गया ना, अपोजिट साइड में सेंट्रियोल आ गया है फाइनली, और क्रोमोजोम यहाँ पे पूरी तरह से कंडेंस हो जाता है, ठीक है, और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है और एक बीच में एक इलेक्ट्रोलियर प्लेट पे क्रोमोजोम सेपरेट ये अरेंज हो जाता है, ठीक है। क्रोमोजोम लाइनअप इन द मिडिल ऑफ सेल, क्रोमोजोम कहाँ लाइनअप हो जाता है, सेल के मिडिल में, ये देखिए सेल के मिडिल में क्रोमोजोम पूरी तरह से लाइनअप हो गया, ये ठीक है, ये हमारा मेटाफेज हो गया। अब एनाफेज की बात करें तो एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड करता है और क्रोमेटिव बिकम्स क्रोमोजोम। ये जो ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये जो ऐसा पार्ट दिख रहा है, ये जो क्रोमेटिड कहलाता है, ठीक है, क्रोमेटिड कहलाता है, और ये जिससे अटैच होता है सेंट्रोमियर, ये जो इसे अटैच होता है, दो क्रोमेटिड जिससे अटैच होगा, इस बीच वाला पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, ये बीच वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे सेंट्रोमियर कहेंगे, ठीक है ना, इस बीच वाला पार्ट को हम लोग सेंट्रोमियर कहेंगे जिससे कि दो क्रोमेटिड अटैच होता है, और इसको सिंगल को क्या कहेंगे, क्रोमेटिड कहेंगे। तो एनाफेज में बीच से प्लेट से टूट कर अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव करते रहता है, ठीक है, मूव करता है एनाफेज में। स्पिंडल माइक्रोट्यूबुल्स पुल द जेनेटिकली आइडेंटिकल क्रोमोजोम, ठीक है, ये जो स्पिंडल फाइबर है ये जो है ये हमारा क्रोमेटिड इसको अपने तरफ मूव करवाता है, मींस उस अपने तरफ खींचता है। फिर है टीलोफेज आ गया, ठीक है ना, एनाफेज हुआ, तो टीलोफेज जो है, टीलो का मतलब होता है इंड, ये जो है माइटोसिस का सबसे लास्ट फेज कहलाता है। इसमें क्या होता है, क्रोमोजोम जो है अपना अपोजिट सेल के अपने अपोजिट इंड पे पहुंच जाता है, मींस दोनों जो है अपने पोल पे पहुंच गए, ये अगर सेल है यहाँ पे हमारा सेंट्रोमियर, तो यहाँ पे हम पहुंच गया सारा हमारा क्रोमेटिड, ठीक है, यहाँ पे क्रोमेटिड पहुंच गया। अब जो है यहाँ पे स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि क्रोमेटिड तो पहुंच गया, तो स्पिंडल फाइबर ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे वापस से न्यूक्लियर इन्वेलप आ जाएगा, जो कि इस प्रोफेज में हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप गायब हो गया था, टेलोफेज में वापस से आ जाएगा, नया न्यूक्लियस बनेगा जो कि पेरेंट्स न्यूक्लियस के बराबर होगा, पेरेंट न्यूक्लियस कैसा होगा, बराबर होगा, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स मूव टू अदर साइड, और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे होगा, मींस अगर सेल डिवाइड किया तो एक नया सेल बना, अपोजिट साइड में मूव कर गया, देखिए यहाँ से हमारा मेटाफेज में एलाइन था सारा, क्रोमेटिड इधर इधर मूव कर गया, सब टूट गया, तो अगर ये तो अलग हो गया लेकिन सेल अलग करना, तो यहाँ साइटोकाइनेसिस भी होता है, क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है जिससे कि साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, साइटोकाइनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि साइटोप्लाज्म अलग हो जाता है, ठीक है ना। अब ये हमारा माइटोसिस ख़त्म हो गया, अब हम मियोसिस की बात करते हैं। माइटोसिस को हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं क्योंकि माइटोसिस में बढ़ता रहता है, एक से दो बनेगा, ठीक है, ये फिर ये अलग से दो बनाएगा, ये भी दो बनाएगा, और मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, कैसा डिवीजन कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन, मींस ये जो है हाफ कर देता है। आगे देखते हैं प्रोसेस हम लोग इसका पूरा। मियोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कहाँ होता है, हमारे गैमेट सेल में, गैमेट सेल में, ठीक है ना, हमारे गैमेट सेल में होता है, जैसे कि मेल का बात करें, मेल गैमेट में उसमें मियोसिस होगा, पहले है तो हमारा n इक्वल टू 46 हमारा क्रोमोजोम है, ठीक है। और एक अगर एक क्वेश्चन है मेरा, अगर हमारे पेरेंट्स का मींस अगर मदर है, ठीक है, एक मदर है उनका क्रोमोजोम 46 है और एक फादर है उनका भी क्रोमोजोम 46 है और गैमेट्स जो दोनों को फ्यूज हो रहे हैं, तो 46 into 46 plus 46, ठीक है, कितना हुआ, 92 हुआ, तो 92 क्रोमोजोम होना चाहिए था बच्चों में, लेकिन उनमें भी 46 क्यों होता है, तो ये हमारा क्योंकि गैमेट में क्या होता है, मियोसिस होता है, मींस 46 जो है क्रोमोजोम उसको हाफ करके 23 बना देता है हमारा सेल, ठीक है, मियोसिस में इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन कहा जाता है, जो 46 क्रोमोजोम को 23 बना दिया, मींस मदर का 23 और फादर का 23 मिलकर 46 बने जो कि बच्चों में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ही बार न्यूक्लियर सिंगल डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, लेकिन न्यूक्लियस दो बार न्यूक्लियर डिवाइड करेगा, ठीक है ना, एक सिंगल डीएनए का रिप्लिकेशन, न्यूक्लियर दो बार, न्यूक्लियस डिवीजन दो बार होगा, जिसके जिसमें क्या बनेगा, हर एक डाउटर सेल बनेगा, ठीक है, और क्रोमोजोम नंबर आधा हो जाएगा, फ्रॉम डिप्लॉइड से हैप्लॉइड होगा, मैंने अभी एग्जांपल दिया 2n से n बन जाता है, मीन्स 46 से 23 बन जाएगा। आप देख सकते हैं प्रोफेज में यहाँ पे मियोसिस वन का टाइप क्या क्या होता है, तो प्रोफेज में वन लग जाता है,
मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। मियोसिस दो बार होता है, मियोसिस वन, मियोसिस के दो टाइप है, मियोसिस वन है और मियोसिस टू है। ये है मियोसिस के दो टाइप होते हैं, मियोसिस वन और मियोसिस टू, जिसमें कि अगर मियोसिस वन का टाइप का बात करें तो प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन। वहीं अगर मियोसिस टू की टाइप की बात करें तो प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू, टीलोफेज टू। ठीक है, तो ये मियोसिस का टाइप हो गया। अब देख सकते हैं प्रोफेज है या मेटाफेज है, एनाफेज है। ठीक है, तो यहाँ पे दो डिवाइड हुआ। फिर मियोसिस टू अगर एंड होता है तो इसमें भी अलग अलग मिलेगा हमको। आगे देखते हैं प्रोफेज वन की बात करते हैं, मियोसिस वन का प्रोफेज वन। ठीक है, प्रोफेज वन में क्या होता है, क्रोमोजोम वन नंबर। तो क्रोमोजोम ये प्रोफेज वन में क्या हो जाता है, हमारा होमोलोगस क्रोमोजोम हर एक 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 पेरेंट से आता है, होमोलोगस पेयर बनाता है। तो आप देख सकते हैं ये बाइवैलेंट के फॉर्म में होता है। और माइटोसिस में क्या हो जाता था, सिंगल, यहाँ पे सिंगल टेट्रैड अलग अलग हो रहा था और यहाँ पे दो ठो टेट्रैड होगा, मीन्स ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड रहता है। ठीक है, दो ठो रहेगा दो के पेयर में, वहाँ पे सिर्फ सिंगल हो रही थी। आगे अगर बात करें तो ये है प्रोफेज वन का टाइप। क्या है प्रोफेज वन का टाइप, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज वन का टाइप है। आप देख सकते हैं लिप्टोटीन में कैसा प्रोफेज वन, प्रोफेज माइटोसिस के प्रोफेज जैसा स्ट्रक्चर दे रहा है। जाइगोटीन में थोड़ा सा कंडेंस हुआ, मींस धीरे धीरे क्रोमोजोम बनने का, क्रोमैटिड बनने का तैयारी कर रहा है। लिप्टोटीन में ऐसा हुआ, जाइगोटीन में थोड़ा और कंडेंस हुआ, पैकाइटीन में ऐसा बन गया, डिप्लोटीन में देखिए थोड़ा और बढ़िया हुआ। और डाइकाइनेसिस का बात करें तो यहाँ पे दो दो के फॉर्म में बन गया। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिक बन गया। ये होता है अगर इसका एक या एल जेड पी डी स्क्वायर, इसका छोटा सा ट्रिक है, एल जेड पी डी स्क्वायर मीन्स लेप्टोटीन, जैगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, एल जेड पी डी स्क्वायर। ऐसे आप याद रख सकते हैं, आप अपने खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। अगर प्रोफेज वन के बाद आती है मेटाफेज वन, मेटाफेज वन में भी सेम वही पे जो माइटोसिस में हुआ था, हमारा माइटोसिस के मेटाफेज में हुआ था, वही प्रकार मियोसिस के मेटाफेज में ही होगा, लेकिन यहाँ पे बाइवैलेंट के फॉर्म में अलग अलग होता है। ठीक है, स्पिंडल मूव करते हैं, होमोलोगस क्रोमोजोम इक्वेटर प्लेट पे दोनों सजा हुआ रहता है। ठीक है, और हम दोनों एक साथ जुड़े हुए रहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम अभी मेटाफेज वन में। एनाफेज वन की बात करें तो एनाफेज वन में होमोलोगस क्रोमोजोम सेपरेट होती है और अपोजिट साइड मूव किया। देखिए यहाँ पे प्लेट थी, इस प्लेट पे मेटाफेज वन में एलाइन थी। ठीक है, दोनों एक साथ जुड़ी हुई थी लेकिन अब अलग हो गई क्योंकि एनाफेज है। एनाफेज में क्या होता है, दोनों नॉन सिस्टर क्रोमैटिड अलग अलग हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मियोसिस वन के एनाफेज वन की बात करें और मियोसिस टू में जो एनाफेज हो रहा है। ठीक है, मियोसिस वन में ये दो दो के रफ्तार में मीन्स पेयर में है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, मीन्स दो दो क्रोमैटिड है, ऐसे ऐसे दो दो क्रोमैटिड है। ठीक है, इसको ऊपर खींच रहा है और यहाँ पे देखिए मियोसिस टू हो रहा है। यहाँ पे मियोसिस टू में सेम माइटोसिस जैसा केस है। यहाँ पे मियोसिस टू में देखिए बस सिंगल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, और लेकिन दोनों में क्या होगा, एनाफेज में दोनों सेपरेट करेगी। टीलोफेज बात करें, सबसे लास्ट है इसमें, टीलोफेज वन की बात करते हैं। टीलोफेज वन में न्यूक्लियर इन्वेलप वापस से आ जाएगा, इसमें भी वही होगा। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, मीन साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और जैसे कि माइटोसिस में करता था, स्पिंडल फाइबर्स जो है टूटेगा धीरे धीरे और यहाँ पे नया सेल एक बन जाएगा। ठीक है ना, टीलोफेज जो है लास्ट फेज है, सब सेम है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं मियोसिस टू का क्रोमेटिस, मियोसिस टू का, तो प्रोफेज वन देखिए ये है मियोसिस वन। ठीक है ना, ये है मियोसिस वन और ये है मियोसिस टू। ठीक है, मियोसिस वन में अगर प्रोफेज वन देखें, मेटाफेज वन देखें, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, ये हमें आप इसमें गौर कीजिएगा। मियोसिस वन में जो हर एक दो दो के फॉर्म में, देखिए टेट्राइड के फॉर्म में है, मीन्स कितने यहाँ पे बना हुआ है, दो ठो जा रहा है। और मियोसिस टू की बात करते हैं तो यहाँ बस सिंगल सिंगल क्रोमैटिड है और यहाँ दो दो क्रोमैटिड है, बस यही मेन डिफरेंस है मियोसिस वन मियोसिस टू में। प्रोफेज वन का टाइप कौन है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, एल जेड पी डी स्क्वायर। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। ठीक है, अब दोनों का सेम है, प्रोफेज में क्या होगा, दो सब कंडेंस रहेगा, आपस में धीरे धीरे एलाइन करेगा। मेटाफेज में क्या आएगा, सभी इक्वेटोरियल प्लेट पे जुड़ जाएगा। एनाफेज में सब ओपोजिट पोल की तरफ मूव करेगा। और टीलोफेज में क्या हो जाएगा, दो अलग सेल बन जाएगा जो साइटोकाइनोसिस के बाद एक अलग नया सेल बन जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे अलाइनमेंट अलग अलग होता है। अगर आप मियोसिस टू का देखें तो ये जो है ऐसे वर्टिकल अलाइनमेंट होगा, मींस सेंट्रोमियर दो पोल पे वर्टिकली प्लेस्ड रहता है। और यहाँ पे मियोसिस टू में अलग अलग मौजूद रहेगा, मींस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रहता है। ठीक है,
तो होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है, मैं पूरा प्रयास करूँगा आपको आंसर देने की। कोई जो भी डाउट है आप बेझिझक पूछिए। और अगर आपको इस लेक्चर का नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, आप ज़रूर से ज्वाइन करें और टेलीग्राम वहाँ से नोट्स आप डाउनलोड करें। और बार बार रिवीजन करने से याद होगा, ऐसा नहीं एक बार में हर चीज़ क्लियर नहीं हो पाती। मैंने बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आपको पढ़ाया, और ऐसे ही आप जुड़े रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।